जैन दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पैरा कमांडो। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है त्रिपुरा फिजिकल एकेडमी। तो साथियों, मैंने आज ही सुबह मॉर्निंग में आया हूं और बहुत ही जल्द आप लोगों से के साथ रूबरू होने वाला हूं। 16 अगस्त को अगरतला दशहरा स्टेडियम में ऐसे मिलने वाला हूं। और मुझे पता नहीं है, मेरा एक स्टूडेंट है, उन्होंने फ़ोन किया, तुरंत मेरे पास आ गया, बोले सर आपके साथ एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्ट है। बोले मुझे ऐसा एक्सरसाइज बताइए, लोअर पार्ट को थोड़ा मजबूत बने। अगर हम जब इंडियन आर्मी रैली में जाते हैं तो हम जो रनिंग करते हैं, रनिंग पूरा नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि हम लोअर पार्ट मजबूत नहीं होता, सबसे बहुत बड़ा समस्या ही है। इस समस्या को सोल्व करने के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को अच्छी तरह से देखे, लोअर पार्ट की 5 एक्सरसाइज मैं ऐसा लेके आया हूँ, ओनली 5 एक्सरसाइज। मास्क तो खोल दो, एक्सरसाइज के दौरान मास्क खोलना जरूरी है। तो साथियों, वीडियो को देखिए। नंबर 1 एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करने से आपको बेनिफिट मिलेगा 1600 मीटर रनिंग में आपको लॉन्ग टाइम खींचने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए। चलो स्टार्ट कंटिन्यू। ये दिख रहे हैं आप, इस टाइप को आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको कम से कम 2 से 3 मिनट कंटिन्यू, 2 सेट लगानी है कंटिन्यू। इससे आपकी जो स्पीड बढ़ेगा, आपकी थाइस में जान आएगा अच्छी तरह से। जो भी मैं एक्सरसाइज देगा हूं, बिल्कुल देसी एक्सरसाइज है, आपको फायदा होने वाला है। स्टॉप, ये हो गया आपकी नंबर 1 एक्सरसाइज। आप दिखाऊंगा नंबर 2। आपकी पैर में इतनी जान आएगा, आप बिल्कुल हैरान हो जाओगी। बस आपको 1 महीने एक्सरसाइज करनी है, वो भी है रनिंग के बाद करनी है आपको एक्सरसाइज। स्टार्ट माउंटेन क्लाइंबिंग, और टच होते हैं, छाती को सामने रखना और सिर आसमान की तरफ को देखना है। अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से एक्सरसाइज को, आपके कोर मसल्स मजबूत होगा, आपके जो कप मसल्स वो मजबूत होगा। सेम 2 से 3 मिनट करनी है आपको, बीच में से रेस्ट भी लेनी है। स्टॉप। तो साथियों, आपने 2 एक्सरसाइज दिखा दिया, मैंने अभी दिखाऊंगा तीसरी एक्सरसाइज। स्टार्ट। इसको आपको जितना हाइट लोगे इतना आपका लैंडिंग भी बढ़िया होगा, लॉन्ग जंप में और हाई जंप में। ठीक है, ये लॉन्ग जंप के लिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है, आप रोजाना करें, ठीक है। बीच बीच में एक दिन रेस्ट भी दे शरीर को। नंबर 4 एक्सरसाइज, ये बतख एक्सरसाइज है, बहुत तगड़ी एक्सरसाइज। आपका जो थाइस है बहुत मौजूद होगा, रनिंग में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इससे। पैर थक जाता है ना रनिंग में, जब दौड़ते हैं हमारा कभी बोलता है ना, पैर पकड़ते हैं, नस पकड़ लेते हैं, उसके लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करें। नंबर 5 एक्सरसाइज, आप देख सकते हो स्क्वाट, बहुत तगड़ी एक्सरसाइज में बताऊंगा। नंबर 5 एक्सरसाइज बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है, बहुत लोग करते हैं स्क्वाट एक्सरसाइज। स्क्वाट एक्सरसाइज पोजिशन तैयार, हाथ रखिए और बिल्कुल सीधा होगा बॉडी। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बाद में ये नहीं बता सर आपने बताया समझ में नहीं आता है, कमेंट करते बाद में। तो वीडियो को अच्छी तरह से देख के बढ़िया बीच में पोस्ट करके भी देख सकते हो। चलो डे स्टार्ट। ये आपको करनी डेली 20 से 25, धीरे धीरे करनी है, जल्दी करने कोई जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से करे, थाइस इतना मजबूत होगा, क्या बताऊंगा मैं आपको, खुद को पता लग जाएगा जब एक्सरसाइज करोगी, कुछ दिन के बाद प्रैक्टिस करोगी। ये स्क्वाट्स एक्सरसाइज के बाद रनिंग नहीं करना, ओनली फॉर आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है लास्ट में, ठीक है। फर्स्ट में स्ट्रेचिंग, उसके बाद लास्ट में भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी, जो मसल्स है हमारा इधर उधर होके रखा है वो अपने जगह पर पहुंच जाएगा। थैंक यू। और मेरे दोस्त को, मैं मेरे स्टूडेंट को कुछ बताएगा वीडियोस के बारे में, और इनका सपना क्या है थोड़ा सा कुछ बताएगा। आप बताइए आपका मतलब सपना क्या है, ड्रीम्स क्या है। मेरा ड्रीम्स एक ही है, मैं 10-12 के बाद में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, और इसलिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े इंडियन आर्मी के लिए मैं करूँगा, माय हुक और माय क्रुक, मुझे इंडियन आर्मी का जॉब चाहिए जैसी भी होके। थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर फॉलोअर्स कर दीजिए, और आप जितने भी हमारा दोस्त है इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो में एंड इस एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू।
तो साथियों आप लोग देखा है किस तरफ से जोश में बोल रहे हैं, इसका मतलब इनका इतना इंटरेस्ट है, बचपन से ही इसका सपना है। इस तरफ से आप भी मेहनत करी, मैं 100% गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेहनत किया 110% साकार होगा आपकी सपना, ये मैं गारंटी से बता सकता हूँ। लेकिन मेहनत आपकी है, गाइडनेस मैं दूंगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, इस तरफ से इनकी जो जोश है, इस तरफ से जोश में आपके दिल में होना चाहिए, हमें भारतीय सेना में जानी है, ठीक है। अगर भारतीय सेना में आपको ज्वाइन करनी है तो आपका दिल और दिमाग एक साथ होना चाहिए, आपकी जो सोच है तो भारतीय सेना की तरह सोच होना चाहिए, तभी आप भारतीय सेना में ज्वाइन हो सकते हो। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।